हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारे डेली लाइफ डायरी चैनल पर स्वागत है। तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज हम बनाएंगे लौकी के आसान विधि से सब्जी। तो हमने लौकी के छिलका हटा करके कच करके रख लिया है और इधर फोरन में डालने के लिए मिर्ची, तेजपत्ता, प्याज, जीरा ले लिए और अब बनाने चल रहे हैं। तो कुकर को गर्म कर लिया है, इसमें डालेंगे सरसों तेल और जब सरसों तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, मिर्ची, तेजपत्ता और कुछ देर रखते ही फ्राई हो जाएगा। उसके बाद प्याज डालकर कुछ देर फ्राई करेंगे, कुछ देर क्या, सेकेंड भर। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कद्दू। तो अब ये फ्राई हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे कद्दू। तो कद्दू का सब्जी सीधे फोरन डाल करके बनता है, बहुत ही अच्छा लगता है, स्वादिष्ट, टेस्टी और सेहत के लिए भी फायदेमंद रहता है। कद्दू का सब्जी खाना भी चाहिए। तो हमने इस तरह से कद्दू को रख करके चला रहे हैं और इसके बाद हम इसमें एक आध बार चला देंगे और ऐड करेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर और इसके बाद हम इसमें मिलाते हुए रहेंगे। और स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि कद्दू में हल्का नमक ही अच्छा लगता है, मीठा मीठा सब्जी लगता है ज़्यादा नमक होने से सब्जी का टेस्ट खराब हो जाएगा, इसलिए कद्दू में थोड़ा हल्का ही डालिए। और इसको अच्छी तरह से मिला दीजिए हल्दी और नमक को। अब इसमें कुछ नहीं डालना है, अब इसको बंद करके दो तीन चार सीटी लगा देंगे, सब्जी गल जाएगा। दो तीन सीटी लगा, गल गया, लेकिन थोड़ा सा पानी है इसमें। तो इसको अब हम चलाते हुए पानी को सुखा लेंगे। ये पानी छूट गया है कद्दू से। कद्दू पक चुका है, सीज गया है, इसलिए चलाते चलाते ये गलना टूटना शुरू हो जाएगा, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और पानी भी सूख गया। सब्जी बनके तैयार है। इसको अब हम दूसरी बर्तन में हटा लेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा
बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।